दिल्ली के भलसवा डेरी काठिया बाबा आश्रम में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। कथा का आयोजन 28 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये कथा हर रोज दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक होगी। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो भलसवा डेयरी के काठिया बाबा आश्रम से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी समेत बुराड़ी की कई कॉलोनियों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कथा का आयोजन हर वर्ष होता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया। इस वर्ष आयोजन होने से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कथा की शुरुआत से पहले कलश यात्रा के साथ साथ यमुना मैया की पूजा भी की गई और यमुना मैया का श्रद्धालु जल लेकर आए। श्रीमद् भागवत में कथावाचक पंडित धीरज दीक्षित, जो कि गोवर्धन से पधारे हुए हैं, पूर्ण आहुति एवं भंडारे का भी आयोजन शुक्रवार 29 अप्रैल 2022 को 1 बजे होगा। क्या बताया श्रद्धालुओं और महात्माओं ने, आप उन्हीं से सुनिए। हमारे दादा गुरु जी की याद में हर साल गुरु जी भागवत और भंडारा करवाते हैं, और इस साल भी बीच में 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, प्रभु की इच्छा थी, इस बार दोबारा से शुरुआत की है। और हमारे आपके भागवत करेंगे हमारे दीक्षित जी महाराज, जो कि गोवर्धन धाम से पधारे हैं, ये भी गुरु जी के शिष्य हैं, हमारे व्यास जी महाराज बोलेंगे। यमुना पूजन किया है, कलश यात्रा निकाली है, उसके तत्पश्चात 3:30 बजे से 7:30 बजे तक कथा का समय रखा गया है। हमारे परम पूज्य श्रद्धे श्री 1008 श्री धनंजय दास जी महाराज जी के पुण्यतिथि में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। उस आयोजन में हम भक्त सभी गुरुजन वहां सभी पधारे हैं और भागवत कथा का सभी चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। राधे राधे। इस तरीके को पुण्य भी होगा और भंडारा भी होगा, जिसमें साधु संत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सब जितने हैं सबको, इसमें कोई नियम माना नहीं है, सबको जमता है और सब इसलिए हो रहा है। ये जो तिथि है, ये जो भंडारा है, ये हर साल होते हैं। ये हमारे गुरु जी श्री 1008 स्वामी धनंजय दास जी का थे, बाबा जी का तिरुभाव तिथि है। प्रहलाद दास काठिया। काठिया जी, जो आश्रम में लगातार कई वर्षों से भागवत हो रही है, अब जो स्टार्ट है उसके बारे में बताएं। अब 2 साल से तो कोरोना हो गया था, इसलिए वो लॉकडाउन में बंद हो गया था, इसलिए नहीं किया। उसके बाद अब चालू हो गया तो फिर से चालू कर दिया हम। क्या तैयारी कर रखी है? जाएं, एक तरफ कोरोना की स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी करी है? वो तो वैसे मूर्ति कम होगा, दूर दूर बैठेगा, बाकी मास्क पास लगाएगा और सैनिटाइज भी कराएंगे।